यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, डीएवी पब्लिक स्कूल से आने वाली स्वच्छता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अरे हाय मनिका, सब हाय यश, आई एम लिटिल अपसेट टुडे। अपसेट पर क्यों यार? तुझे पता है क्या, आज जब सुबह सुबह मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने देखा कि मेरी पड़ोस की आंटी ने अपना सारा का सारा कचरा सड़कों में फेंक, और मेरे मना करने के बाद मुझे ही भला बुरा कहने लगी। जब तक लोगों की मानसिकता ही नहीं बदलेगी तब तक कैसे स्वच्छता आएगी यार। सही कह रही है यार, बात तो अपसेट होने की है। हाय मनिका, हाय यश, हाय, क्या कोई सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लोगों का एटीट्यूड है यार स्वच्छता के प्रति। लोग समझते हैं कि सफाई वफाई किसी दूसरे की जिम्मेदारी है। अपने स्कूल में ही देख लो, कोई भी बच्चा जहाँ चाहे वहाँ कचरा फेंक के चला जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो देखो सुबह सुबह बिस्किट खाता आ रहा है, बस अब बीच में जाके पैकेट फेंक देगा। ओ प्रखर, इधर आइयो। बिस्किट देखो, बुला लिया, मैं नहीं शेयर कराने वाला। अरे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है हमको, तेरी बुद्धि सुधारनी है। क्या हुआ मेरी बुद्धि को? मेरी बुद्धि तो एकदम फिट है। अरे यार अगर तेरी बुद्धि एकदम फिट होती तो तू स्कूल में कचरा फैलाती है उसकी सफाई कौन फिट क्यों करता? ये हमारा ही विद्यालय है, जैसे हमारे घर में हम स्वच्छता रखते हैं वैसे ही अपने देश में, अपने शहर में और अपने विद्यालय में भी स्वच्छता रखना हमारा ही कर्तव्य है। बस बस बहुत हो गए तुम्हारे उपदेश, मैं तो चला। अरे रुक, चला गया। कैसे चलेगी स्वच्छता जब तक लोगों की मानसिकता ही नहीं बदलेगी? अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब ये कि अगर उपदेशों से काम ना चले तो फिर हमें अपने तरीके से समझाना चाहिए। अपना तरीका? ओ अपना तरीका यानी नाटक। ओहो नुक्कड़ नाटक। हाँ नुक्कड़ नाटक। तो अब हम अपनी स्वच्छता रेलगाड़ी चलाएंगे और पहले लोगों की मन में से और फिर इस विश्व में से गंदगी को मिटाएंगे। तो परे हो जा सोड़ियो, साड़ी स्वच्छता रेलगाड़ी आई। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो सुनो, ओ भाइयों बहनों, हे बात बनेगी तो मत तो ठहरो, अरे ऐसे कैसे जल्दी हो भाई, इमेज घटाई, प्रदूषण फैला कर सेहत को हानि पहुंचाई। अरे अभी अगर न जागे तो फिर पछताओगे भाई। हे जागरूकता फैलाने स्वच्छता रेल गड्डी आई, गंदगी को मिटाने स्वच्छता रेल गड्डी आई। ए रमेश, ओरे सुरेश, कब के बिछड़े के पान बनारस यार, हंसा मत यार, यार जोर की आई है। अरे आई तो आने देना, पूरा सुलभ चल। पर इतनी दूर भला कौन जाए जब इतनी बड़ी दीवार खाली पड़ी है। वन टू नहीं, अपनी ऐसी हरकतों से सभी देश की धूमिल करे जो, और स्वच्छता फैलाए और देश दुर्गंधमय करे जो, सुधरेंगी इनकी आदतें तब जब दंड भारी इन पर पड़े जो, दुनिया बदली पर बुद्धि में बात नाएंगे आई, जहाँ जहाँ भी तू का गंदगी फैलाई। अरे राम राम चौधरी, अरे राम मी राम सरपंच जी, राम मी राम, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। बोलिए के खातिर करूँ आपकी? अरे चौधरी खातिर के
राम का दिया सब कुछ है मेरे घर है, खेत ट्रैक्टर पीसे यो एक छोरा यो भी शादी लायक, यूं तो गांव में किसी के घर गादू में इसने, पर तेरी छोरी पढ़ी लिखी से पढ़ी लिखी जान तो इसने आटे लेके आयु। अरे सुनती है, अरे छोरी खातिर रिश्ता है या छोरी ने लिया? अरे बीए पास से मारी छोरी थे। अरे चौधरी बीए पास तो ठीक, पर छोरी तेरे कुछ खाना खुना बनाना आया करे को नहीं आता? पहले आप ये बताओ कि क्या आपके घर में शौचालय है? बापू बापू शौचालय क्यों चाहिए? अरे हमारे घर के औरत मर तो मुंह अंधेरा खेतों में लोटा लेके ठंडी ठंडी हवा के जगहों का आनंद लेते हुए फारिक हो जाते हैं। छी शर्म करो तुम, बड़े सरपंच बनते हो, वैसे तो तुम्हारी औरतों के सर से पल्ला हट भी जाए तो तुम्हारी नाक मूछ नीची हो जाती है, और औरतें जब भी खुली में शौच जाती है तब तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं होता। अरे चौधरी सुनो भाई, हटते हटते रह गए जीजा जी, आप जो खुले में दान करके आते हो ना वो मक्खियाँ आपको ही लौटा जाती हैं विद रिटर्न गिफ्ट, गंदगी के साथ बीमारियां दोनों। नुपत, नुपत, नुपत। चिंता का विषय है कि एक ओर जहाँ गंदगी खुले में शौच करने से गंदगी संक्रमण व बीमारियों का खतरा है, वहीं दूसरी ओर लड़कियों और महिलाओं के लिए अस्मिता का प्रश्न है। इस अहम मुद्दे की उपेक्षा से आज भारत के ग्रामीण इलाकों में लड़कियां छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। शौचालय जो नहीं तो ये जग में खूब हसाई, हर नाक की चौबारे पे और इज्जत तलक कमाई, परे हो जा सोनी ससारे घटी आई, परे हो जा सोनी ससारे घटी आई। गंगा स्नान हाजी, गंगा स्नान हाजी, गंगा में नहाए हाजी, भगवान की पूजा फिर पूजा आई हाजी, फिर फूल खिलाए हाजी, खूब बड़ी सिलाए हाजी, केमिकल लगाए हाजी, विसर्जन किया हाजी, हाजी तो राम तेरी गंगा मेरी हो गई, गंदगी कटे लुट को दे। एंड अब मुझे भैया ये गबरेज का डब्बा भर गया है, किस तो? अरे पगली गार्बेज होता है गार्बेज। हाँ, से पकड़े हैं। इका तो हम शाम में फेंकेंगे। अरे यार शाम में क्यों फेंकेगा? अरे शाम में ही तो इस विभूति के घर का डेकोरेशन होगा। विभू तुमसे कितनी बार कहा ये गार्बेज घर से बाहर फेंक कर आओ, इट स्टिंक्स। डोंट वरी अनु, आई विल मैनेज एवरीथिंग, आफ्टर ऑल आई एम अ स्मार्ट मैन। अरे मैडम ऐसे मत गिर मैडम, डस्टबिन है मैडम, ऐसे मत गिर मैडम। वाह क्या मौसम है, क्या केला है, पीला पीला, वाह खाकर तो मजा आ गया, अब केला गया पेट में ये छिलका या उधर देखो। अरे छोड़ो वे भाई, सड़क पर देख कर भी क्यों से एक गौर करते हो, ये खाली रहता है कूड़ा तुम चारों गौर करते हो। आई मीन दिस इज नॉट द वे यार। व्हाट एक और विदेशों की स्वच्छता के कसीदे कर रहे हम, दूसरी तरफ देश को अपने ही गंदा कर रहे हैं हम। पर सफाई का काम तो सरकार का है ना। वाह वाह वाह, सड़कों पर कचरा फेंको तुम और साफ करे सरकार, सड़कों पर थूको तुम और साफ करे सरकार, सुलभ शौचालय का प्रयोग ना करो तुम और गलती किसकी, सरकार की। सरकार का हर आदमी के पीछे एक एक सफाई कर्मचारी लगवाए। गंदगी के जन जागरूकता के बिना अधूरा है स्वच्छता अभियान।
देश की स्वच्छता में हर एक दे अब योगदान, हर एक दे अब योगदान। गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, लोगों में जागरूकता भरती रहेगी। साथ मिलकर जब हम बढ़ाएंगे कदम, स्वच्छता का होगा राज, गंदगी तोड़ेगी धम।